पाया मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को जिनके जीवन में होती है भक्ति उनकी अपार होती है शक्ति। भगवान जी से मान लो क्या राम जी की भक्ति, बोलो सीताराम। आज आपको बताए एक शुभ दिन और है, इसके बाद कथा प्रारंभ करते। आज अंग्रेजी में मदर डे है, वैसे तो धन है अंग्रेज, इन्होंने साल भर में एक दिन बनाया मदर डे। हमारा ऐसा मानना है कि हम लोगों को प्रतिदिन ही माता का दिवस मनाना चाहिए। हम लोग भी अगर सेवा करें तो फिर माता के दिन से करना माता
बड़ी अच्छी है हनुमान जी हर घर पर है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा मंदिर मंदिर। विचित्र बात, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखे जहता है अग्नि को हनुमान जी के लिए लिखा था वो मंदिर मंदिर। तो किसी ने कहा कि रावण में रावण की लंका में मंदिर कहां से, लंका में मंदिर वहां मंदिर कहां से आए। हनुमान जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। एक संत कहते सना हनुमान जी गए तो लंका में है, लंका सोने की है और मंदिर क्यों लिखा। बोले हनुमान जी को खोज रहे हैं जानकी माता को, जानकी माता है भक्ति, तो हनुमान जी का मानना है कि जहां भी जानकी माता बैठी होगी वो मंदिर ही होगा, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहीं भगवान है, इसलिए मंदिर का वर्णन। एक बात और, पांच बार मंदिर का प्रयोग किया है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता है अग्नि को जोधा गयउ दसानन मंदिर माही तीन, चौथा मंदिर महुन दीक वैदेही चार, और पांचवा हरि मंदिर कह भिन्न बनाया। पांच बार मंदिर का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड। अच्छा, ये पांच बार प्रयोग करके गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं सुनो। हनुमान जी महाराज पांच बार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं लंका में, मानो लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी पंच देवों का दर्शन कर रहे हैं, पंचायतन पूजन करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो रावण के भवन में क्या देखा। गोस्वामी जी कहते हैं अति विचित्र रही जाने सुना। हनुमान जी ने कुछ विचित्र देखा। बोले क्या विचित्र देखा। अरे बोले रावण तो रावण है, रावण के भवन में हनुमान जी देख रहे हैं, रावण पड़ा है विचित्र दशा। दूसरी विचित्रता क्या देखी, राक्षस तो विचित्र सोते ही, लेकिन दूसरी विचित्रता क्या है। एक संत बताते थे, बोले महाराज जी उस दिन रात को रावण ने जब भोजन किया तो दही खाया, दही पाया, दही को आधा जूठा छोड़ करके रावण सो गए। बोले इसमें विचित्रता क्या है। बोले एक विचित्रता है, जो भोजन में दही को आधा जूठा छोड़ देता है उसकी आयु घट जाती है। रावण की यह दशा देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की जल्दी ही जय बोलने वाली है, ये जल्दी ही तपने वाले हैं। बोलो सीताराम। इसलिए आपने गांव में देखा होगा, गांव के लोग जब दही पाते हैं तो दही के पात्र में कटोरा में जब दही खा लेते हैं तो उसमें पानी डाल करके घोल करके पीते हैं। बोले क्यों। बोले ताकि थोड़ा मोड़ा रह भी ना पाए, जिससे आयु घट जाए। धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी रावण के भवन में गए तो वहां भी विचित्रता देखी, पर कहीं पर भी जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक मकान भवन बड़ा अद्भुत देखा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा तुलसी